बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक स्टूडियो के मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नया ट्रेलर, नई कहानी। कईयों पर गम और मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। जहां हम सोच रहे थे कि फांसी के फंदे से बचने के बाद उस्मान बे और उनके साथियों की मुश्किलात में कुछ कमी आएगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो आने वाली किसके बारे में इंतहाई अहम है। जैसे कि हमने गुज़िश्ता वीडियो में आपको ये भी बताया था कि कोनूर एल एक तारीखी किरदार हैं और वो अच्छी तरह समझ चुके हैं कि वज़ीर आलम शाह बाज़ंतीनियों के साथ मिलकर तुर्कों का खात्मा चाहता है। और ऐन वक्त पर जब उस्मान बे को फांसी दी जा रही थी, तो कोनूर एल्प के साथी इलियास चावस पहुंचकर उस्मान बे को बचाने में कामयाब होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब आपको गुज़िश्ता किस के ट्रेलर जिसमें सुल्तान मसूद पर कातलाना हमला वजीर की तरफ से होता है, आपको बताया था कि वो महज एक ख्वाब है जो उस्मान बे या कुमराल अब्दाल से मंसूब होगा। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको आने वाली किस के बारे में कुछ अहम और तारीखी वाकयात से आगाह करते हैं। आपने देखा कि उस्मान बे और इनके साथी फांसी के फंदे से बच निकलते हैं, लेकिन सल्जुकी वजीर आलम शाह और बाज़ंतीनियों से बचने के बाद इससे भी बड़ी मुसीबत मंगोल गेहातु के जाल में फंस जाते हैं। मंगोलों का रिवायती अंदाज ही ऐसा दिखाया गया कि उन्होंने आते ही खून बहाना शुरू किया, जिसके नतीजे में गोख्तों और बहुत से सल्जुकी सिपाहियों को शहादत देना पड़ी। उस्मान बे जो कि अब गेहातु के कब्जे में है। नाज़रीन ग्रामी, आपने कुर्रिश उस्मान के सीजन 2 में देखा कि जब गेहातु काई कबीले आकर उस्मान बे पर खंजर से वार करने लगते हैं, तो उस्मान बे गेहातु का हाथ पकड़ लेते हैं। एक तो गेहातु ने उस्मान बे से अपनी बेइज्जती का बदला लेना होता है, तो दूसरी जानिब गेहातु भी अच्छी तरह जानता है कि मंगोलों को ज्यादा खतरा उस्मान बे से है, क्योंकि माजी में भी अर्तुगरुल गाजी ने मंगोलों को बहुत नुकसान दिया। दिलिश अर्तुगरुल में मंगोल कमांडर नोयान दिखाया गया, जो मंगोलों का बेहतरीन कमांडर था। अर्तुगरुल गाजी ने उसे अपनी जमीनों से निकलने पर मजबूर कर दिया था। नाज़रीन अकरामी, अब आते हैं उस्मान बे गेहातु के शिकंजे से कैसे निकलेंगे। कबीले से भी मदद आना मुमकिन नहीं, क्योंकि उस्मान बे ने खुद मलहून खातून और उसके साथ मौजूद सिपाहियों को कबीले वापसी जाने का कहा। दूसरी जानिब बात करें तुर्गुत बे और मिखाइल कोशिश की कि ये मदद को आ सकते हैं, तो नाज़रीन ग्रामी, अभी ये भी मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि मिखाइल कोशिश को बाजियाब करवाने में तुर्गुत बे निकोला के जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं। तो ये बात वाजे है कि उस्मान बे को बचाने ना तुर्गुत बे और ना ही कबीले से कोई मदद आ सकती है। तो नाज़रीन, यहाँ बहुत ज्यादा इम्कान है कि किसी तारीखी किरदार की वापसी दिखाई जाए। जैसे कि हमने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि कुल्लू उस्मान टीम की तरफ से एक तारीखी हीरो की वापसी होगी, क्योंकि अब हालिया सीजन अपने इख्तिताम की तरफ रवाना है, जो कि अब चंद एक साथ ही बाकी रह चुकी हैं। यहाँ उस्मान बे के इतने दुश्मनों को सामने लाया गया जो कि तारीखी हैसियत रखते हैं। अब उस्मान बे के देरीना और तारीखी किरदारों की आमद आने वाली किस्त में मुतवक्के है। नाज़रीन ग्रामी, यावलक अरसलान और सामसा चावस जो कि तारीख में बहुत खास अहमियत रखते हैं, अभी इनके साथ और भी नए किरदार फुल सीरीज का हिस्सा बनेंगे। नाज़रीन ग्रामी, हमने आप लोगों से सवालों का सिलसिला शुरू किया था, जो कि इस सवाल के जवाब पर कुछ इनामी रकम रखी थी। गुज़िश्ता वीडियो में सवाल पर सिर्फ 5 ही जवाब मिले हैं। इन 5 नाज़रीन में से किसी एक को इनाम दिया जाएगा। हम अपने सवालों का सिलसिला इसी तरह जारी रखेंगे और इससे बेहतर गिफ्ट की सूरत में देंगे।